वेलकम टू माय चैनल शो मास्टर। मुनव्वर के फैंस भड़क गए हैं अंजलि अरोड़ा के एक कमेंट पे, जब पे अंजलि अरोड़ा ने क्लियरली कहा कि मैं जब उनको एक पूछा गया था आप मुनव्वर को फॉलो क्यों नहीं करते हो इंस्टाग्राम में, तो अंजलि ने क्लियरली कहा कि मैं इसलिए फॉलो नहीं कर पा करती हूँ नहीं कर पाई क्योंकि वो इंस्टाग्राम में एक्टिव नहीं थी और फॉलो करने से बॉन्डिंग को तो ना हम जस्टिफाई कर सकते हैं, दोस्त है मिलके बाद में हम फॉलो करेंगे, मैं मुनव्वर को मिलने वाली हूँ मिलके फॉलो कर देंगे। तब इसमें अंजलि ने गलत कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये कह दिया कि अंजलि ने गलत यहाँ पे कह दी कि इंस्टाग्राम में एक्टिव नहीं थी, जबकि अंजलि अरोड़ा का इंस्टाग्राम में काफ़ी स्टोरीज थे, 2-3-4 स्टोरीज थे। वो जो फंक्शन भाई के वेडिंग एनिवर्सरी का जो फंक्शन थे वहाँ पे भी गए थे, वहाँ का भी फोटोज डाले थे स्टोरीज में, तो बहुत लोग इस चीज़ में सवाल उठा रहे। ठीक है, आप लोग सवाल उठा रहे सही है, भड़कना भी ठीक है, आप लोग जैसा भड़क रहे भड़क रहे, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या इंस्टाग्राम में स्टोरीज सिर्फ वो खुद डाल सकते हैं या उनके टीम मैनेजमेंट भी डाल सकते हैं? पहला पॉइंट, मुनव्वर के स्टोरीज आपको पता है कौन डालता है? मुनव्वर फारूकी के इंस्टाग्राम में स्टोरीज कौन डालता है? स्टोरीज हो या कुछ भी हो, सदाकत डालता है। अभी आप लोग पूछे ऐसा कैसा, नहीं मुनव्वर डालता है, नहीं सदाकत डालता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। इंस्टाग्राम में लोग जब वीडियोस निकालते ना, एक्टर्स जब वीडियोस निकालते वो वीडियो लेके पास कर देते हैं किसको, उनके टीम के जो मैनेजमेंट है उनको पास करते हैं। ये जो पोस्ट करना ये लोग के पास टाइम नहीं होता वो सब पोस्ट करने का ये करने का, उन लोग पर वीडियो निकाल देते और वो फोटोज हो या फिर वीडियोज हो कुछ भी हो, उस सदाकत मुनव्वर का जो है वो सदाकत के बाद जाता है, सदाकत ही उसका इंस्टाग्राम का पूरा टाइम टू टाइम अपडेट करता है। अब सदाकत ना हो तो उनका जो टीम मैनेजमेंट है मुनव्वर का वो है अपडेट करता है। सेम गोज टू अंजलि, अभी अंजलि भी जो वो फोटोज या वीडियो निकलती है ना, अभी वो निकालने के बाद वो लोग पास आउट कर देते हैं या फिर उनका एक ये होता है जब एक ही आईडी में जाके फोटो सेव होता है, वहां से लोग निकाल के उसे अपडेट करते हैं इंस्टाग्राम हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया में। मैं अभी इन लोग का ही बात नहीं करूंगा, मैं सभी का बात करूंगा, जितने भी स्टार्स है ना जितने भी कोई भी हो, बड़े बड़े से सेलिब्रिटीज हो, जब लोग फोटोज या वीडियोस को जो लोग का इंस्टाग्राम में आता है ना अपने आईडी में लोग डालते हैं ना, परमिशन उनकी होती है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि अंजलि अरोड़ा का परमिशन नहीं था, मुनव्वर का परमिशन नहीं था, परमिशन उनकी होती है डालने से पहला कि मैं हम ये डाल रहे हाँ वो परमिशन दे रहा डाल दो करके, लेकिन डालने का जो काम रहता है ना इंस्टाग्राम में पोस्ट करने का सब कुछ करने का उनका टीम मैनेजमेंट करते हैं, वो कोई उन लोग पर्सनली नहीं करते। हाँ उन लोग पर्सनली जब करते जब उन लोग फ्री टाइम में हो या तभी करते हैं उन लोग। अभी अंजलि ने क्लियरली कहा कि वो फ्री टाइम नहीं थी, फ्री में नहीं थी, फैमिली से मिलना था, सब मिलना था, वेडिंग एनिवर्सरी था, उससे भी निकल के आप मुंबई में आई है, मुंबई से जाने के बाद वो थोड़ी फ्री हो जाएगी या मिलके थोड़ा फ्री हो जाएगी तब करेगा। चलो अभी बहुत जन ऐसा बोलेंगे फॉलो करने में कितना टाइम लगता है यार, ऐसा बोलेंगे फॉलो करने में कितना टाइम लगता है, मैं बोलूँ ना फॉलो करने में ना 10 सेकेंड नहीं लगता है किसी को भी फॉलो करने के लिए। बट मुझसे अगर पूछेगा ना कि किसी को जाके फॉलो करने के लिए मुझे बोला अरे उसको जाके फॉलो कर, बोला हाँ और करता हूँ, और मैं कभी कहता भूल गया तो भूल गया। जरूरी नहीं है दोस्त, फॉलो करने से दोस्ती नहीं दिखती है, दोस्ती दिल में रहने से दिखती है। किसी को इंस्टाग्राम में फॉलो करना या फिर फेसबुक में फॉलो करना इससे दोस्ती नजर नहीं आती है। ठीक है, आप लोग किसी को भी पॉइंट आउट कर रहे कि उससे क्या वो इंस्टाग्राम में एक्टिव थी फिर भी झूठ बोल रहे, अरे यार उनका जो फोटोज और वीडियो अपलोड करने का मैनेजमेंट रखा हुआ है वो मैनेजमेंट करे, जब वो पर्सनली जब इंस्टाग्राम खोल के देखेगी ना फिर उसको मन में हाँ चलो मुनव्वर को फॉलो करना, वो करेगी, वो उनको टाइम दो, मुनव्वर को भी अगर करना है तो मुनव्वर भी करेगा, मुनव्वर को टाइम दो। आप लोग घुस के मत माइक घुसा दो, आप भी करो करके हाँ, ये मीडिया वाले लोग कौन है छूते लोग, कुछ भी फालतू तुम लोग छापते हो अपने न्यूज़ चैनल में
कि भाई ये मुनव्वर अंजलि को फॉलो नहीं कर रहा, अंजलि मुनव्वर को नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, घंटा तुम जाके करो ना, क्या फॉलो करने में दोस्ती होता है? मैं अमिताभ बच्चन को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम में, मैं ऐश्वर्या राय को फॉलो करता हूँ, क्या मेरे दोस्त है क्या उन लोग, मेरे को जानते हैं क्या? तो उत्तर लोग तो बहुत ही बड़ा हो गया। मैं ऐसे लोग को फॉलो करता हूँ जिससे मैं जानता तक भी नहीं, तो क्या मेरे दोस्त हो गया है? नहीं ना। मुझे कुछ लोग फॉलो करते जो मैं उससे जानता भी नहीं हूँ, क्या मेरे दोस्त है क्या? नहीं ना। इंस्टाग्राम में फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा दोस्त है। दोस्ती दिल में होती है, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में नहीं होती है। तो आप लोग ये पहले दिमाग से निकालो, कुछ भी करो, कुछ भी बोली, आप लोग क्यों भड़कते हो यार? पहले आप लोग दूसरे पे क्यों झांक के देते हो? अपने आइडल पे देखो, अपना आइडल को पुश करो सक्सेस की ओर, ना कि किसी और को गिराने के लिए। देखो ये गलत काम करते हो तुम लोग का, ये गलत काम है ना, तुम लोग के दिमाग से भगाने का है। और मैं सच में एक कदम उठाने वाला हूँ, मैं भले मेरा ये चैनल बंद कर, मैं दूसरा नया चैनल चालू करूँगा जिसमें ना ये जो गलत जो दिमाग लेके चलते ना, गलत माइंडसेट के साथ, उन लोगों का माइंडसेट को गिराने का काम करूँगा। सच में यार, कभी सच में ऐसी मन करता मुझे, मैं जितना भी न्यूज़ चैनल देखता हूँ ना, ऐसे ऐसे खबर छापते हो लोग जिसमें 30 क्या है, जुलाब क्या है, पता नहीं चलेगा, ऐसे खबर है उनका। खबर भी खबर होनी चाहिए, और जैसे खबर है ना, लूज मोशन लगती है। सच बताओ, और सच एक और बताऊं, कहीं पे भी मुनव्वर के फैंस भड़के नहीं है। ये जो आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं ना, वो लोग ट्विस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। उन्होंने चार पोस्ट क्या देख लिया कि मुनव्वर के आगे, मतलब अंजलि के अगेंस्ट में भड़क रहे, वो चार पोस्ट के इसमें से उन लोग अपना एक सवाल बना देते हैं, अपना एक वीडियो बना देते हैं और डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं वीडियो को, अपना एक एंगल जोड़ के। मैंने भी वो वीडियो देखा है, मुझे भी मारो, मैंने वो वीडियो देखा, तभी बोला कौन सा फैंस भड़क रहे। मैं जाके इंस्टाग्राम में हर जगह में ट्विटर में चक्कर, हर जगह मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया कहाँ पे भड़क रहे, नहीं दिखा दिया, लेकिन यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन में वहां पे भड़क रहे। वो न्यूज चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सच में मैं तो बहुत अगेंस्ट हो रहा हूँ उससे, कि वो न्यूज चैनल, तीन चार न्यूज चैनल मेरे ना मेरे आंख के नजदीक में क्या घटिया से घटिया न्यूज लाते। अंजलि अरोड़ा दावत में पहुंची, दावत पार्टी में पहुंची, और मुंजली का ब्रेकअप को जानकर मुंजली का एक फैन की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या न्यूज है? अब क्या खबर दिखा रहा यार? कोई भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखेगा, अभी जो कमेंट लिखा है वो भी ना उसके कमेंट बॉक्स में लिखा था ये चीज, जो भी कमेंट तुम्हारे इसमें लिखा था, क्या वो उसकी माँ को हॉस्पिटल में देखने के लिए बैठेगी या तुम्हारे चैनल में कमेंट करने बैठेगी मेरी माँ एडमिट हॉस्पिटल में? कुछ भी न्यूज छापते हो तुम लोग, कुछ भी न्यूज। शिट यार, हमने सुना था कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है, यूट्यूब का जो न्यूज है वो पक्की होती है, बट आजकल तो यूट्यूब की भी न्यूज फेक होती है यार, हर जगह खबर फेक होती है। पता नहीं पब्लिक को ना सच सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, बट झूठ सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप लोगों को झूठ पसंद आता है, सच मैं दिल खोल के बोलता हूँ, भले आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, मैं सीधा बोलता हूँ, आप लोगों को झूठ सुनने में ज्यादा पसंद है, इसलिए आप लोग झूठ सुनते हो, आप लोग उस चैनल को ज्यादा सपोर्ट करते हो जहाँ पे सिर्फ झूठ वाली खबर सुनते हैं, जस्ट बिकॉज आप लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, खबर यही थी कि कोई किसी का फैन किसी पे भड़का नहीं है। अगर आप लोग भड़के तो भी मैं आप लोगों को क्लियर पॉइंट बताता हूँ, भाई लोग अपने अपने दुनिया में जीने दो, खुश रहने दो, आप अपना आइडल को पुश करो सक्सेस किया, और आप अपने आइडल को पुश करो सक्सेस किया, और किसी और आइडल के फैंस को या आइडल को गिराने की कोशिश मत करो, उसमें टाइम बर्बाद मत करो,
तुम अपना टाइम जो फैमिली पे बिताओ और अपने आइडल को ऊपर पहुँचाने में बिताओ, उससे ज़्यादा कुछ मत करो दुनिया में यार, कसम से। फैमिली की पहला ख्याल रखो, ये आइडल लोग आके आप लोगों को खाना नहीं खिलाने वाले यार, आप लोगों को 2 मिनट का बस खुशी देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, खाना वाना नहीं खिलाएंगे, ज़िंदगी में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तुम लोगों को, आप लोगों को खुशी मिलेगा बस, उसके लिए मैं इतना कह रहा हूँ, अगर तुम लोगों को उससे खुशी मिले तो उनको सपोर्ट करो, ना कि किसी और के आइडल को गिरा के उसमें खुश रहो तुम लोग, ये गलत कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। मिलते हो कोई और वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।